अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? होंगे सब मजे में? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आज भाई लोग को एक बात बताना ताकि कुछ सीख मिले हमसे, अगर बता देंगे हो सकता है कोई सीख मिल जाए भाई। वो जगह भी दिखाते हैं जो जगह पे क्या हुआ था, कुछ देखो उसके बाद बता दें क्या हुआ। देख रहे हो ना, ये यूटर्न का बोर्ड जो दिख रहा है इधर ही साथ में है एकदम, उस साइड से कोई उम्रदार आदमी मतलब था, इसी जगह पे कल एक उम्रदार रोड क्रॉस कर रहा था। अभी ये देखो मेन रोड है, ये रियाद और खमीस मस्जिद को मिलाता है ये रोड। इस रोड पे अभी सुबह का टाइम इसलिए उतना गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी बहुत होता है, ठीक है ना। इस बारे में अभी आराम से कहीं रुकते हैं ना, उसके बाद बताते हैं आपको क्या हुआ था। अभी देखो सुबह का टाइम है, एंजॉय करो, सुबह 6 बज रहे हैं अभी लगभग। हाँ भाई लोग, मैं अभी बोला आप लोगों की मतलब एक जरूरी मतलब बात करना था आपसे, तो वही मैं बोला यार बात कर लेते हैं। यार भाई लोग देखो, कल ही अभी बात ऐसा है, मैं इसलिए बोला कि रोड मालूम है आदमी लोग को कि नहीं क्रॉस करना चाहिए, जैसे हाईवे है, हाईवे पर जरूरी जैसे आदमी को मालूम है, नॉर्मल है कि आदमी कोई काम रहता तो सोचा चलो इधर गाड़ी खड़ा करके उस साइड में चले जाते हैं। हाईवे में यार मुश्किल, हमारे सामने कल बात है, ये दूसरा तीसरा बार हो गया, बहुत इधर ऐसा होते रहता है। तो उस समय पे मैं निकल रहा था, 200 मीटर लगभग 200 मीटर मैं पीछे था उससे, तो कोई उम्रदार आदमी था, लगभग हमको लगता है कि नॉर्मल उम्र तो 40 से ऊपर ही होगा आदमी का उम्र, जो यमनी था कोई निकला था हमारे सामने, वो गाड़ी निकला है, गाड़ी स्पीड में था, लगभग रहा होगा 100-110-120 रहा होगा, उसको सामने से उड़ा दिया मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि आदमी देखो जरूरी है, तो लोकल एरिया का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोकल एरिया में मत करो, लोकल एरिया में तो मुश्किल नहीं है, लोकल एरिया में तुमको ज़रूरत पड़ गया तुम रोड क्रॉस करो, जाओ काम करो अपना चले आओ, मुश्किल नहीं, लेकिन ध्यान से भाई देखो ज़िंदगी है ना, ऐसा मत गंवा दो कि आदमी यार कहीं भी ऐसा घुस जाए कहीं भी कर दे, देख के। हाईवे पे तो नहीं बोलेगा क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हाईवे पे भाई देखो गाड़ी चाहे कहीं का भी हाईवे है, हाईवे पे आदमी एक से दूसरा स्टेट मतलब जॉइंट करता है हाईवे, तो हाईवे पे आदमी गाड़ी क्या होती ना, हर गाड़ी स्पीड में चलती है, और हर आदमी हाईवे पे ये रहता है कि यार जल्दी पहुंचना है, ये गाड़ी वाले भी थोड़ा सा कर दें थोड़ा ध्यान दें में तो इतना नहीं कुछ होगा। ये एक बार ऐसे इंडियन, एक पीछे इंडियन या पाकिस्तानी था, कोई खारजी था, उस साइड में उसका शॉप था हाईवे के उस साइड में था, वो मतलब गोडाउन था उसका, सरिये का था और ये क्या नाम है चैनल था, मतलब बहुत सारा इधर लक्कड़ था, लक्कड़ बेचते हैं ना सब, तो उसका गोडाउन था उस साइड में रोड के, इस साइड में होटल था केरला वाले का, उधर से वो खाना लेने के लिए इस साइड में आ रहा था हाईवे क्रॉस करके, वो हाईवे पे भी उसको उड़ा दिया, और डेली आता रहा होगा, पहला दिन तो नहीं रहा होगा उसका, लेकिन बस यही बात है भाई कि आदमी उकर के चले थोड़ा देखो, ठीक है ना। तो भाई लोग इसलिए उकर बता रहे हैं कि जैसे भाई देखो ख्याल रखो, दूसरा आदमी नहीं आएगा ख्याल रखने, अपने आदमी का क्या मालूम है, घर वाले हैं और कोई है, ऐसा आदमी का जान इतना वो नहीं है, नॉर्मल है दे दो यार कहीं भी, ऐसा कीमती है भाई, तो इसलिए भाई रोड हाईवे मत क्रॉस करो, हाईवे पे आदमी को नॉर्मल एरिया में मुश्किल नहीं है, लोकल एरिया में क्या होता है, लोकल एरिया में होता कि आदमी कहीं भी जाना है गाड़ी नहीं है देख लिया मुश्किल नहीं क्रॉस करके चला गया, लेकिन हाईवे पे भाई हाईवे पे मत क्रॉस करो। क्यों हाईवे पे मैं बोलेगा मत क्रॉस करो कि इसलिए कि भाई गाड़ी वहाँ ज़्यादा होता है, एक गाड़ी निकला दूसरा गाड़ी आ गया पीछे, तो इसलिए वहाँ मत क्रॉस करो, वहाँ क्रॉस करोगे मुश्किल है मालूम है, 2 मिनट लेट सही घूम के आ जाओ, मुश्किल नहीं है, आगे यू टर्न है और कुछ है,
कोई गाड़ी का लिफ्ट ले लो और कुछ ले लो, घूम के आ जाओ वहाँ से, यू टर्न करके यहाँ आ जाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई यू लोकल उसमें क्रॉस करो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाईवे पे मत क्रॉस करो। मालूम है जान यार ऐसा नॉर्मल नहीं है, किसी को भी दे दो कीमती है, मालूम है उसका अहमियत करो समझो, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगा। सही ना भाई? चलो भाई लोग से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यार लाइक करो सब्सक्राइब करो। जो थोड़ा सा हमको मालूम था वो बता दिए हैं आप लोग को कि मतलब यार ऐसा मत करो, रोड मत क्रॉस करो कहीं भी है। ओके भाई बाय।